खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। सोने के भाव रिकॉर्ड तोड़ गिर गए हैं। सोने के दाम में इतनी गिरावट पहले कभी नहीं देखी गई। सोने चांदी के दाम गिरने से लोगों के चेहरे खुशी से दमकने लगे हैं। अब वो लोग भी सोना चांदी खरीद सकते हैं जो अभी तक इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। यूएस में महंगाई बढ़ने से बुलियन में भारी बिकवाली देखी जा रही है। सोने चांदी में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में गिरावट बढ़ गई है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग के साथ यूएफएस के फैसले आ चुके हैं और हमने देखा कि 0.75% की बढ़ोतरी देखने को मिली ब्याज दरों में। हालांकि अनुमान के मुताबिक ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके बाद जो कमेंट्री आई फेड चेयरमैन की तरफ से उसके बाद बाजार रिएक्ट करते हुए नजर आए। ये आंकड़े साबित करते हैं कि सोना निवेश के लिए सही है। सोने के जानकार भी यही कहते हैं कि जब जी चाहे तभी सोना खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ये चमकदार और असरदार पीली धातु कभी घाटा नहीं देती। अगर इस धनतेरस में कोई 10 ग्राम सोना खरीदता है तो अगली धनतेरस तक 10% का रिटर्न मिलने की उम्मीद है। करीब 50,000 प्रति 10 ग्राम के भाव पर चल रहा सोना अगले एक साल में भाव 56,000 प्रति 10 ग्राम तक जाने की उम्मीद है। ETF के अंदर आउटफ्लो काफी ज्यादा था, बट जैसे रिस्क असेट्स बढ़ते जा रहे हैं, रिस्क एपेटाइट बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों का रुझान अब गोल्ड की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो हम मानते हैं कि जिस ढंग से 6% का गेन हमने पिछले धनतेरस से अभी तक देखा है, लगभग 10-12% की तेजी हम अगले धनतेरस या दिवाली तक देख पाएंगे। इस वक्त सोना करीबन 50,200-50,300 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमारा मानना है अगले साल तक सोना लगभग 56,000 का लेवल आराम से क्रॉस करता हुआ दिखाई